नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छो। वंस अगेन वेलकम बैक टू रैंकर सर इन द फॉर्म ऑफ टीएम बट इंग्लिश मीडियम ग्रुप ट्यूशन। और हम लोग लास्ट लेक्चर तक बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ लिया था और हमने साथ में एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया था कि भाई आयोडीन है तो आयोडीन से हमने स्टार्च का चेकअप किया था कि स्टार्च सलाइवा से डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है। तो आज के ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के भी आपको पता तो चल गया है कि हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। सो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए बन जाएगा थोड़ा सा बेसिक। हाँ, ये डाइजेस्ट में नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस क्या है, क्योंकि पीछे जैसे ही रेस्पिरेशन प्रोसेस आएगा तब आपको ये सब आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, लेट्स गो। यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन हमें पता है कि हम इनहेल करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, या हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो वो टोटल जो प्रोसेस होती है वो टोटल प्रोसेस रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन अवर बॉडी। हाँ, ये बात भी सही है कि फूड, देखो हमें डाइजेशन सिस्टम में हमें इतनी बात पता है लास्ट में कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और जो भी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैटी एसिड या तो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। पर क्वेश्चन ये है कि ये कन्वर्ट हुआ वो कार्बोहाइड्रेट हमें किस काम का है? तो वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट वो एनर्जी रिलीज करने के लिए है। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कैसे करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के जो भी मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, समझ लो कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद मिला है। देखो क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट फोटोसिंथेसिस से डायरेक्ट ग्लूकोज बनाता है और फिर इसमें से उसमें से वो ओटीपी एटीपी रिलीज कर रहा है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब हम पूरा डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का परफॉर्म कर ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज को हम पूरा बनाते हैं, अब वो ग्लूकोज को ब्रेक कैसे करेंगे ताकि हमें एनर्जी मिले? तो वो ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वी नीड टू रेस्पायर। यानी हम जब रेस्पायर करते हैं हमारा ऑक्सीजन वो ग्लूकोज पे ग्लूकोज के साथ जाता है और वो एटीपी रिलीज करता है। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, याद आ गया? एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है जिसमें से हम एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई? सो आगे बोला गया है, द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीद इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड टू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ में आ गई? ओके डन है ना बच्चा लोग? तो उसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फंक्शन क्या है, ब्रीद इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ब्रीद किया, फूड में से एनर्जी को प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो व्हाइट स्मोक आपको ऊपर दिख रहा है वो एक्चुअली स्मोकिंग का व्हाइट स्मोक नहीं है, ये जस्ट आपको इनहेल और एक्सहेल को बता रहा है। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ लंग्स गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर। तो लंग्स यानी हमारे फेफड़े हैं, वो फेफड़े की मदद से ही हम लोग ब्लड और एयर का एक्सचेंज हो सकता है, यानी ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करना, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो कौन करेगा? वो लंग्स करेंगे, वो हमारे फेफड़े करेंगे, फाफड़े नहीं फेफड़े। गैसेस एक्सचेंज्ड आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो हमारे कौन से गैसेस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है, ये तो बात सिंपल सी है ना, इतनी सी बात है, ऑक्सीजन अंदर जाता है लंग्स में प्रोसेस करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आता है। वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। हाँ, हम पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते, तो हम कई दिनों तक तो जिंदा रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम हवा के बिना थोड़े टाइम भी नहीं जी सकते। So it is necessary for breathing. So before discussing the human respiratory system, it is necessary to know the process of breathing, which is an important part of the respiration. So हम next next slide में हम क्या समझने वाले? Next slide में हम समझने वाले breathing कैसे होती है। How do we breathe air? Okay, next देखते हैं। सो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी टेक एयर इन टू अवर लंग्स थ्रू द नोज एंड देन एक्सपेल इट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ब्रीद होता है तो नोज के थ्रू इनहेल होता है, फिर उसको हम एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन।
हमें पता है कि एयर जो पूरा ऑक्सीजन से रिच है, पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ऐसी एयर को अंदर खींचना, दैट इज योर इनहेलन इनहेलन इनहेलेशन एंड यानी इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर को बाहर निकालना, दैट इज एक्सहेलेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, बोथ द प्रोसेसेस टेक प्लेस रेगुलरली ड्यूरिंग ब्रीदिंग, देयरफॉर अ ब्रीथ मींस वन इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। यानी अब हम ब्रीथ की एक साइकिल सोचे तो एक साइकिल में हम क्या करते हैं, एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं, इतनी सी बात है। नेक्स्ट, सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है? तो इन दिस वी विल लर्न हाउ एयर फ्रॉम द आउटसाइड इज सक्ड इनटू अवर लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड हाउ एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एंड दिस हैपेंस विद द हेल्प ऑफ लंग्स। यानी हम लंग्स की हेल्प से किस तरह से फेफड़े में हवा डालेंगे और किस तरह से फेफड़े में से हवा बाहर निकालेंगे, ये बात हमें समझनी है। तो बच्चों देखो, लंग्स आर कनेक्टेड विद अवर नॉस्ट्रेल्स। नॉस्ट्रेल्स यानी हमारे नोज में जो होल्स होते हैं जिसमें हम उंगली डालते हैं, वही नॉस्ट्रेल्स थ्रू नेजल पास विंड पाइप। तो ये पूरा मैं समझाऊंगा आपको, डायग्राम ड्रॉ करूंगा तब कि नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं। नॉस्ट्रल के अंदर जो पैसेज होता है जिसमें हमारा पूरा हेयर होते हैं, सलाइवा होता है, थोड़ी सी म्यूकस होता है, तो वो नेजल पैसेज है। और उसके बाद हमारे गले में होता है विंड पाइप जो इसोफेगस यानी फूड पाइप के बाजू में होता है। ओके, व्हेन वी इनहेल एयर इट एंटर्स आवर नॉस्ट्रल्स, पासेस थ्रू नेजल पैसेज एंड विंड पाइप रीचेस आवर लंग्स। एक सिंपल सा एक रास्ता है, नोज से एयर अंदर जाता है, विंड पाइप्स के थ्रू वो लंग्स यानी कि फेफड़े में पहुंचता है। और समझ लो बेटा, यहाँ पे ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं होता कि जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पे हमारा नया नोज आ जाएगा। नहीं, नोज तो एक ही है तो रास्ता भी एक ही होगा। एक रास्ता सिर्फ इतना कि भाई नाक और मुंह से हम थोड़े से एयर अंदर जाएगा, वो पासेज में से जाके टोटली क्या करेगा, एयर पाइप यानी हमारी विंड पाइप में जाके लंग्स तक पहुंचेगा। ओके, सो अवर टू लंग्स हैंग इन एन एयरटाइट स्पेस इन आवर बॉडी कॉल्ड चेस्ट कैविटी। हाँ, वो एयरटाइट है, हाँ, वहां पे आजू बाजू हवा नहीं होती, वो पूरी कैविटी के अंदर चेस्ट की कैविटी है। यानी चेस्ट के अंदर की जो जगह है वहां पे दो लंग्स, दो फेफड़े को अच्छे से फिट कर दिया नट बोल्ट मार के। अराउंड द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी द रिब केज इन द इज द रिब केज विद द सीट्स ऑफ मसल्स बिटवीन द रिब्स विच एनक्लोज द लंग्स इन इट। यानी उसके बाहर पिंजरा होता है, पिंजरा होता है जो अंदर के फेफड़े को पकड़ के रखता है, अंदर के फेफड़े को सपोर्ट करता है, अंदर के फेफड़े को बचा के रखता है। तो बेसिकली इट्स अ रिब केज, केज माने पिंजरा, वो हड्डियों का बना हुआ था इसलिए उसको बोलते हैं रिब केज। और रिब केज को ऑपरेट भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो, जैसे हम ब्रीद करते हैं हमारे लंग्स फूलते हैं, जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं हमारे लंग्स थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उसके साथ साथ रिब केज का भी बढ़ना और कम होना जरूरी है। तो वो कौन करेगा? तो रिब केज के इर्द गिर्द हुए इर्द गिर्द जो भी मसल होते हैं ना, वो मसल्स वो रिब केज को या तो बढ़ा दे या तो कम करते हैं। सो एट द बॉटम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज द काउड सीट ऑफ द मसल इज कॉल्ड डायफ्राम। हाँ, ये डायफ्राम क्या करता है, हमारी चेस्ट कैविटी और हमारे पेट की कैविटी को अलग करता है, समझ रहे हो? हाँ, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में याद करो, हमने वो डायफ्राम ड्रॉ किया था जिसमें हमने क्या किया था कि ऑटोमेटिकली हमने एक चीज समझी थी कि जो हमारा स्टोमक था उसके ऊपर हमने एक शेड दौरा था, दैट इज योर डायफ्राम, जो चेस्ट कैविटी को नीचे की कैविटी यानी पेट की कैविटी से अलग करता है। देयरफॉर इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, वो चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाता है। सो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम। रिबकेज एंड डायफ्राम का मूवमेंट को मूवमेंट से ही ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं। सो यहां पे आप लोग काफी सही से देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लंग्स के नीचे, यहाँ पे डायफ्राम होता है। जब ये है पूरा विंड पाइप, विंड पाइप से ये सब ब्रोंकाइल है, ये सब पूरा समझा होगा सिस्टम। पर यहाँ पे जो डायफ्राम है, जब डायफ्राम नीचे होता है किस तरह से, एक एक पिचकारी समझ लो आप लोग, क्या समझ लो बेटा, एक पिचकारी समझ लो। ये डायफ्राम है, ये जो मैं ड्रॉ किया ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है। अब जब मैं ये डायफ्राम को नीचे खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एयर अंदर सक होगी, जब मैं डायफ्राम को ऊपर पुश करूंगा तो एयर ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी, जैसे पिचकारी में होता है बलम पिचकारी। तो सेम सिचुएशन में जब डायफ्राम नीचे की तरफ फ्लो करता है तब एयर अंदर सक होता है, जब एयर सक होता है तो ऑटोमेटिकली लंग्स बढ़ेंगे, लंग्स फूलेंगे, जब एयर बाहर निकलता है लंग्स थोड़े से सिकुड़ जाएंगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो ये थोड़ा सा ये थोड़ी सी ब्रीदिंग और ये लंग्स के बारे में हम समझने वाले। हमने देखो ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बहुत बड़ी सिस्टम तो समझ लिया,
अब रेस्पिरेशन सिस्टम समझने वाले हैं और पूरा डायग्राम भी इस तरह से ड्रॉ करना है। जब डायग्राम ड्रॉ करो तब याद रखना है कि लंग्स को आप इस तरह से समोसा का शेप दोगे, ठीक है, दोनों समोसे लेफ्ट और राइट साइड, डन। नेक्स्ट, सो दिस हैपेंस एज फॉलो ब्रीदिंग इन। जब हम ब्रीद करते हैं तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले व्हेन वी ब्रीद इन और इनहेल, टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, द मसल्स बिटवीन रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी हम जब ब्रीद करते तो हमारी चेस्ट कैविटी फूलती है। वो क्यों फूलती है? क्योंकि रिब्स थोड़े कॉन्ट्रास्ट होते हैं, बढ़ते हैं, रिब केज थोड़ी बाहर निकलती है, फूलती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड। हाँ, समझ लो, पिचकारी की, पिचकारी का डायफ्राम नीचे जाएगा तभी तो एयर अंदर आएगा ना, सेम सिचुएशन है। यहाँ पे डायफ्राम जो है, डायफ्राम नीचे जाएगा तभी तो, डायफ्राम जब नीचे जाएगा तभी तो एयर अंदर आ सकेगी। सो ऑल दिस मूवमेंट इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, मेक इट लार्जर एंड एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड टू इन थ्रू द लंग्स। एज अ रिजल्ट द लंग्स फिल्ड अप विद द एयर एंड एक्सपैंड। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे देखो एक बलून होता है, बलून में पानी पड़ता है तो बलून फूलता है ना, सेम सिचुएशन हमारे लंग, हमारे फेफड़े जैसे ही एयर सक करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, वो फूल जाते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब क्या होता है? सो व्हेन वी डू ब्रीद आउट, व्हेन वी एक्सहेल और ब्रीद आउट, टू थिंग्स हैपन साइमल्टेनियसली, दो थिंग होती है साइमल्टेनियसली। कौन कौन सी? देखो, द मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। यानी जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो मसल्स थोड़े से अंदर की तरफ पुश हो गए, यानी वो थोड़े से इस तरह से डिक्रीज हो जाएंगे, वो अंदर की तरफ चेस्ट कैविटी जाती है। The diaphragm relaxes and move upward. हाँ, जो ब्रीद आउट करना है आपको, इंजेक्शन में से दवा निकालनी है आपको, जब बलम पिचकारी में से पानी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो डायफ्राम को पुश करोगे, यानी डायफ्राम ऊपर जाएगा तभी तो पानी निकलेगा ना, तभी तो लंग में से एयर निकलेगा ना बालक को, इतनी तो बात है। सो डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड ड्यू टू दिस मूवमेंट, द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी डिक्रीज एंड मेक्स इट स्मॉलर विच पुशेस एयर आउट फ्रॉम द लंग। यानी चेस्ट कैविटी स्मॉल होती है, जैसे हम ब्रीद इन करते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ती है, ब्रीद आउट करते हैं चेस्ट कैविटी कम होती है, जैसे ब्रीद इन करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, लंग फेफड़े फूल जाते हैं, और जैसे ब्रीद आउट करते हैं तो वो एयर के जाने के गम में सिकुड़ जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ब्रीद आउट, ब्रीद इन हुआ, एयर आई, ऑक्सीजन आया, वो खुसखुस हो गए, ऐसे फूल गए, मेरी छाती चौड़ी हो गई, पर जैसे ही वो बाहर गए हम सिकुड़ गए। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हम ऐसा कुछ आपके लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि भाई जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है या कोई और गैस निकलता है, वो मुझे चेक करना है। तो आपका जो वीडियो आएगा वो वीडियो में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हमें ये पता करना है कि भाई हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।